नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका डन एवरीथिंग में स्वागत है। आइए हम फिर से चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं, इतना ज्यादा आसान कर देते हैं कि कोई चीज याद करने के लिए रह ही ना जाए। अब कोई चीज याद करने के लिए रह ही नहीं जाएगी तो कोई कठिनाई ही नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय करके याद कराई जाती है चीजों को। मैंने आपको बहुत सारी चीजें एंजॉय करते हुए बहुत सारी चीजें याद करा दी है हुई है। इसके आगे भी मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहूंगा और चीजें इसी तरह से आसान होती चली जाएंगी और आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी चीजों को याद रखने में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बताई वो जाती हैं, वो टेक्निक्स जाती हैं जो कि माइंड से कभी निकाली ही नहीं जा सकती है, आप चाह के भी नहीं भूल सकते वो टेक्निक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बैंक्स एंड देयर फाउंडर इन देयर हेडक्वार्टर्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और देखिए कि 20 बैंक को मैं जस्ट कितने मिनट में फटाफट आपको याद कराता हूँ विद सन के साथ। कौन से सन में उसकी सेलिब्रेशन हुई और कहाँ पे हुई थी ये मैं आपको कितनी स्पीड से बताऊंगा और कौन से टेक्निक से बताऊंगा, ये टेक्निक तो आपको पक्का पता होगा क्योंकि मैं एक ही टेक्निक से सारी चीज याद करा रहा हूँ, ना कि अलग अलग टेक्निक से। तो देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिससे ये फटाफट याद हो सकता है विदाउट भूले। आप भूलेंगे नहीं, इतना तो गारंटी है कि आपने एक बार देखा स्टोरी बनाई तो आप भूलेंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम लॉस किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बैंक लिखे हुए, यहाँ पे मैं ईयर लिखूंगा कि कौन से ईयर में ये स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पे मैं फाउंडर लिखूंगा किधर पे ये फाउंडेड था, ठीक है? यहाँ पे हम फाउंडर की बात करेंगे कि ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। आइए दो चीजें पहले समझ लेते हैं। इसको जानने से पहले मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ जो कि आपको माइंड में रखनी है। अगर हमारे किसी वर्ड में दो यूनिट आएगा, अगर 42 आया तो आगे आपको 90 लगा लेना है अपने आप। क्या लगा लेना है? 19। इसका अर्थ ये होता है कि अगर दो यूनिट आया तो आगे का जो यूनिट होगा वो 19 होगा। अगर तीन यूनिट आता है, सपोज 4, 3, 2 आता है तो आगे हमको, सपोज 8, 3, 2 आता है, 8, 3, 2 तो हमको आगे 1 लगा लेना है, ठीक है? क्यों, यहाँ पे 1 क्यों लगा लिया, यहाँ पे 19 क्यों नहीं लगाया? कॉमन सेंस, ठीक है? यहाँ पे क्या लगाना है? 1 लगाना है। अगर 8, 3, 2 आया तो 1 लगा देंगे, अगर 2 आया तो यहाँ पे 19 लगा देंगे। ये पहला हुआ बात। आइए सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। ये पहली आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे फाउंडर जो है ज्यादातर मुंबई में है, जो भी बैंक है ज्यादातर मुंबई में पाए जाते हैं। बट अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर दो यूनिट के बाद कोई भी और वर्ड ना रहे जिससे कोई नंबर निकल के आए तो आपको सीधा सीधा मुंबई लिख देना है। पहले आपको दो नंबर लिखना है, दो नंबर के बाद सपोज मैंने लिखा चोर लिख दिया तो आप देख रहे हो सीधा सीधा सी और 6 और 4 आ रहा, तो यहाँ पे 19 लगा देंगे आप। 19 लगाने के बाद 1964 रहेगा, और एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड बच नहीं रहा है जिसका अर्थ ये होता है कि ये यहाँ पे मुंबई आएगा। तो ये चीजें, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब कोई भी वर्ड आगे एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो आपको तुरंत क्या लगा देना है? मुंबई लगा देना है। अगर कोई वर्ड एक्स्ट्रा बचता है तो उसको जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि उसको किस तरह से बताना है। आइए समझना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन। तो पहला दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से कौन सा वर्ड आप निकाल सकते हैं जो आपके काम आ सकता है, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है वो इसी तरह से बोलता है कि कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट करना है। हमको किसी भी टॉपिक का कॉमेडी इमेज बनाना है पहले, उसके बाद उसको फनी रिलेट कर देना है किसी भी वर्ड से। तो आइए पहले हम कॉमेडी इमेज बना लेते हैं। कॉमेडी इमेज हमारा होगा यहाँ पे स्टेट। कॉमेडी इमेज हमारा यहाँ पे क्या होगा? स्टेट होगा। स्टेट हो गया हमारा यहाँ पे कॉमेडी इमेज। अब हम किस तरह से इसको रिलेट करते हैं, देखिए आप इमेजिन कीजिए कि आप जिस स्टेट में रहते हो, आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आप जिधर भी रहते हो, उस स्टेट का जो राजा है वो है लालू। कौन है? लालू। तो आप देख रहे हैं वर्ड भी मैं वही यूज करता हूं जो मैं पिछले टाइम हर जगह पे यूज करता हूं, वही वर्ड यहाँ पे भी यूज कर रहा हूं। तो वर्ड अगर आपने एक बार मेमोराइज कर लिया या समझ लिया तो चीजें जल्दी से याद हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लालू लिख दिया, तो आपके स्टेट का राजा कौन है? लालू है। लालू को डिकोड करेंगे तो 55 आता है। 55 मैंने बोला था दो नंबर आएगा तो आगे क्या लगा देना है? 90 लगा देना है। तो 1955, आगे कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं आया है जिसका मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है? नेक्स्ट। तो इस तरह से चीजें आपको समझने। आईडीबीआई में आप कौन सा वर्ड स्टार्ट कर सकते हो? आईडी का मतलब होता है कि आपकी पहचान। आईडी का मतलब होता है आपकी पहचान। आप आईडीबीआई का आईडी पहन के जा रहे थे, आप इमेजिन कीजिए, स्टोरी बनाइए, स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आईडी पहन के रोड पे चल रहे थे, आईडीबीआई ही बैंक का आईडी पहन के घूम रहे थे, एक चोर आया आपकी आईडी लेके भाग गया, एक चोर आया आपकी आईडी लेके भाग गया, तो आपकी आईडी क्या हो गई? आप बैंक में जाते हो, बैंक वाले को बोलते हो मेरी आईडी चोरी हो गई, मुझे परमिशन दे दीजिए अंदर जाने का, तो आपकी आईडी क्या हो गई?
आपकी आईडी चोरी हो गई, तो चोरी को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 and 4, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1964, आगे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बच रहा है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। क्यों? क्योंकि आगे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड बच नहीं रहा है। आइए थर्ड देखते हैं, देना बैंक, देना देना बैंक, देना वर्ड यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो देना का मतलब होता है जब कोई चीज आप देते हो किसी को, तो आप जीवन में एक बात याद रखिए कि देना बैंक वाले हर सबको माफ कर देते हैं, जो उनका टैक्स भरता है और नहीं भरता है सबको माफ कर देता है। अगर आपने देना बैंक से लोन लिया तो आप ईएमआई मत भरिए, आपको माफ कर देंगे, ये कहने की बात है क्योंकि हमको यहाँ पे याद करना है। तो देना बैंक वाले क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो माफ को डिकोड करेंगे तो क्या होगा, माफ को डिकोड करेंगे तो 38 होगा, और आगे क्या लगा देना है 19, तो 1938, ठीक है। आइए, तो देना बैंक वाले क्या कर देते हैं, हमको माफ कर देते हैं। देना ये कैसा बैंक है जो माफ कर देता है, माफ दे देता है, माफी कर देता है, दे देता है हमको। यहाँ पे आया सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल में से क्या उठा सकते हैं, अगर आप सेंट्रल वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रल में से सेंट बाहर आ रहा है, सेंट, सेंट परफ्यूम, सेंट आपको पता है, तो आपके घर में सबसे ज्यादा सेंट लगाते हैं आपके दादा, कौन लगाता है, आपके दादा सबसे ज्यादा सेंट लगाते हैं। दादा को डिकोड करेंगे तो 11 हो जाएगा, आगे लगा देंगे 90 तो हो जाएगा 1911, 1911, ठीक है। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। क्यों मुंबई में है, क्योंकि आगे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड मिल नहीं रहा है, जिसका अर्थ ये होता है कि इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। तो 1911 कैसे आया, दादा सबसे ज्यादा घर में सेंट कौन लगाता है, आपके दादा, दादा को डिकोड करेंगे तो 11 होगा, 11 हुआ तो आगे 90 लगा देंगे, आगे कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बच रहा है, इसलिए इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे मुंबई में। आगे यूनियन, यूनियन बैंक, यूनियन, यूनियन को बार बार बोलेंगे तो आपके मुंह से ओनियन आता है, ओनियन, ठीक है। तो ओनियन खाने से टीबी की बीमारी ठीक होती है, ओनियन खाने से किसकी बीमारी ठीक होती है, टीबी की बीमारी ठीक होती है। इसको ब्रेक करेंगे तो 18 आ जाएगा, आगे लगा दिया 19, इसके हेडक्वार्टर हो गए मुंबई में, ठीक है। तो ये कहाँ हो गया, मुंबई में, और ये 1918 में स्टैब्लिश हो गया था मुंबई। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अगला है कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से आप वर्ड उठा सकते हो कोटा, ठीक है। तो ये कोटा, कोटा आपको वहां से वर्ड उठा के मुझे बताना है कि कोटा से आप क्या बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन आप जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी, उतना ज्यादा आपका मेमोरी शार्प होगा, तेज होगा, तभी जाके आप चीजों को फटाफट बना सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लगता है चीजों को मेमोराइज करने में, इसको कोडिंग बनाने में, ठीक है। इसमें आप एक्सपर्ट हो जाइए, चीजें आपको फटाफट याद हो जाने लगेगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप कोटा निकाल सकते हो, और ये कोटा का आप मुझे बता के दिखाएंगे, कोटा से रिलेशन बना के, राजस्थान में कोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी रिलेशन करा सकते हो कोटा से, इसके पहले आपको सन पता होना चाहिए, तो इसका आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट HDFC दिया हुआ है, HDFC से अगर आप कोई वर्ड निकाल सकते हो तो वो होता है HD, कौन सा होता है HD, हाई डेफिनेशन। HD के चैनल्स पुअर लोग बहुत कम देख पाते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, वो बहुत कम HD के चैनल्स देख पाते हैं। तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ड निकल गया, पुअर, पुअर को आप ब्रेक करेंगे तो 194 हो जाएगा, आगे 1 लगा लिया तो क्या हो जाएगा 1994। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट ICICI बैंक, ICICI को अगर आप बार बार बोलेंगे तो ICICI आता है, ठीक है। ICICI मैं इसको रफ कर देता हूँ, जगह नहीं है तो इसको रफ कर देते हैं। ICICI को अगर बार बार आप बोलेंगे तो ICICI हो जाएगा, ठीक है। तो ICICI से मैंने ICICI उठा लिया, ICICI मैं डेली घर से निकलता हूँ और बियर देखता हूँ, क्या देखता हूँ, बियर, क्या देखता हूँ, बियर की दुकान को देखता हूँ और रोज डिसाइड करता हूँ कि आज मैं पीऊंगा, आज मैं बियर पीऊंगा, लेकिन फिर से मैं वापस से अपने घर वालों के बारे में सोचता हूँ, अपने करियर के बारे में सोचता हूँ, तो मैं वापस से वहां से चल देता हूँ। तो मैं क्या डेली सोचता हूँ, ICICI, मैं डेली क्या देखता हूँ, बियर की दुकान, क्या देखता हूँ, बियर, बियर को ब्रेक करेंगे तो 1994, यहाँ पे 19 आगे लगा देंगे तो 1994, ठीक है। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, HDFC हाई क्वालिटी, तो हाई क्वालिटी को आपने क्या बताया, पुअर, पुअर से क्या हो गया, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 4, 1994, ठीक है। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का है 1993, ये भी मुझे आप बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये 1993 किस तरह से बन सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में आपका सुहाग काम करता है, आपका सुहाग,
आपका सुहाग, ठीक है। सुहाग आपका क्या कर, कहाँ काम करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में। देखो चीजें बहुत ज्यादा कॉमेडी है, मुझे पता है कॉमेडी है, ये सुहाग कैसे बैंक में काम कर सकते हैं, ठीक है। बट आप इसको मेमोराइज करना है तो आपको ये स्टोरी बनानी होगी। जहां आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, स्टोरी माइंड में नहीं गया, तो ये चीजें भूल जाएंगी तुरंत, ठीक है। तो आप इसको खाली मेमोराइज करें, बैंक ऑफ इंडिया में आपका सुहाग काम करता है, ठीक है। या फिर आप सुहाग की जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो। हमको तो यहाँ पे दो ही वर्ड चाहिए, 0 और 6, क्योंकि ये वॉवल से कट जाएंगे। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 19 लगा दिया, 1906, तो आप 19 तो लगने वाला है, 06 से कोई भी वर्ड बना सकते हो, ठीक है। आपके पास जेड एस है, जे जी है, सी एच है और एस एच है, तो आप इसमें से कोई भी वर्ड बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जग बना दिया, जग, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। सोच, सोच बना सकते हो, सच बना सकते हो, तो आप कोई भी वर्ड बना के इसको मेमोराइज कर सकते हो। यही चीजें तो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। तो इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? मुंबई में। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड बचा नहीं है, इसलिए ये भी इसका भी हेडक्वार्टर्स मुंबई ही होगा। अलाहाबाद बैंक, अलाहाबाद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से कोड निकल गया था अल्लाह, ठीक है। तो लोग गॉड और अल्लाह को लेके फिजूल में, क्या फिजूल के, फिजूल फिजूल के झगड़े करते हैं। किसके? फिजूल के झगड़े करते हैं, जबकि अल्लाह और गॉड के नाम पे हमको झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है। फिर भी लोग अल्लाह और गॉड के नाम पे फिजूल के झगड़े करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो होगा 865, ठीक है। यहाँ पे वन लगा दिया, 1865। अब यहाँ पे 3 कोड आ गया तो मैंने वन लगा दिया, एक एक्स्ट्रा वर्ड बच रहा है, कैसे होता है? कोलकाता, क्या होता है? कोलकाता। तो कोलकाता बता सकते हो कि अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट आंध्रा बैंक, आंध्रा, आंध्रा से कौन सा वर्ड आप निकाल सकते हो? अंधा, अंधा। हम लोग आंध्रा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश को हमेशा अंधे वर्ड से ही दिखाते हैं। पिछले टाइम जो मैंने डैम बताए थे, अंधा व्यक्ति से ही बताया हुआ था, यहाँ भी आंध्रा को अंधा से ही पढ़ेंगे, ताकि हमको चीजें बार बार रिपीट होंगी तो ज्यादा याद रहेंगी। तो आंध्रा, अंधा आदमी आपका नाम, अंधा आदमी आपका नाम हद से ज्यादा बार लेता है, हद से ज्यादा। अंधा एक आदमी है, वो हमेशा आपका नाम बार बार बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है, हद से ज्यादा लेता है। यहाँ पे ब्रेक करेंगे 2-3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 90 लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1923। बचा एच, हद से ज्यादा लेता है, बचा एच, तो यहाँ से हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट यूसीओ बैंक, यूसीओ बैंक का भी मुझे आप बताओगे, क्योंकि चीजें जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, यही चीज मैं बोलता हूँ। तो यूसीओ बैंक का मुझे आप बता के कमेंट करेंगे नीचे, ठीक है। फिर सिंडिकेट, सिंडिकेट्स को अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पे कैट आता है, क्या आता है? कैट, कैट आता है, कौन सा वर्ड आता है? कैट। तो आप याद रखिए कि आपने कैट को क्या किया, अपने घर के एक बड़े कैट को, आपके घर में बहुत बड़ा कैट है, कैट की मूर्ति है, क्या है? बहुत बड़ी कैट की मूर्ति है, और आपने उस कैट की मूर्ति को क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। किसको नीलाम कर दिया? मणिपाल को। मणिपाल जो है जिसके पास बहुत ज्यादा मनी है, क्या है? जिसके पास हद से ज्यादा मनी है, उसको आपने क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। नीलाम को ब्रेक करेंगे तो 1923, क्या आएगा? 1923। आपने किसको नीलाम कर दिया? मणिपाल को, तो यहाँ पे आ जाएगा मणिपाल। नेक्स्ट इंडियन ओवरसी, इंडियन ओवरसी। अब आप बोलेंगे सर ये मणिपाल के कोड को कर देना चाहिए था, फिर मुझे पता चलता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एक्स्ट्रा वर्ड बचेगा, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा वर्ड बचेगा, उस एक्स्ट्रा वर्ड को डिकोड नहीं करना है, उस वर्ड में ढूंढना है कि इसका इस जगह कौन सा हो सकता है। के आया तो कोलकाता, एच आया तो, एच वाई तो हैदराबाद, आपका यहाँ पे मणिपाल मैंने सीधा सीधा लिख दिया। इंडियन ओवरसी, ओवरसी को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये होगा ओवरसी, सी के ऊपर, ओवरसी सी के ऊपर। अब यहाँ पे आप सपने देखते हो, आप हद से ज्यादा क्या करते हो? सपने देखते हो। अभी रियलाइज कीजिए चीजों को, जो चीजें मैं बताता हूँ उसको तुरंत सोचना रहता है बहुत ज्यादा डीपली। आप इमेजिन कर रहे हो कि आप सी के ऊपर, सॉरी, आप ड्रीम देखते हो कि आपको सी के ऊपर उड़ना है, आपको शक्तिमान जैसे सी के ऊपर क्या करना है? उड़ना है। किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर, ऊपर सी, ठीक है। तो आपकी क्या है? इच्छा है, तो ओवर सी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर सी को हम क्या करेंगे? डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ओवर सी, ओवर सी, तो इसको आपने डिकोड कर दिया ओवर सी। अब इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे? ओवर सी
आपको मौका चाहिए, क्या चाहिए? मौका चाहिए। एक बार मौका मिल जाए पक्का मैं सी के ऊपर से उड़ के दिखाऊंगा, एक बार मैं शक्तिमान बना तो मैं सी के ऊपर से उड़ के अपनी जो भी ड्रीम्स है उसको कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सा वर्ड ध्यान देना है, यहाँ पे ड्रीम भी आ गया, शक्तिमान भी आ गया, तो ये वर्ड आपको ध्यान नहीं रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार मौका मिले, क्या मौका चाहिए मुझे? सी ओवर दिखा तो मौका चाहिए, सी ओवर से उड़ने के लिए मुझे एक बार मौका चाहिए, खत्म। मौका चाहिए, मौका को 3-7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। चाहिए मैंने बोला था अगला वर्ड आएगा तो उसको डिकोड नहीं करना है, तो मौका चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा 1937। मौका चाहिए, चाहिए से चेन्नई, ठीक है, चाहिए से क्या हो जाएगा चेन्नई, सी एच चेन्नई, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड, यूनाइटेड को बार बार पढ़ेंगे तो यूनिटी आती है, ठीक है। तो इस यूनिटी को क्या करेंगे, यूनिटी, यूनिटी लोग जो होते हैं वो आलस का, ठीक है, क्या करते हैं, आलस का परित्याग करते हैं, ठीक है, आलस का परित्याग करते हैं, मतलब जब यूनिटी में कोई काम होती है तो वहां पे आलस बहुत ज्यादा कम होती है। तो आलस को डिकोड करेंगे तो 50 हो जाएगा, आगे 19 लगा दिया, अगले वर्ड को डिकोड नहीं करना है, अगला के है तो 1950 कहां पे है, के मतलब कोलकाता, ठीक है, कैसे कोलकाता 1950। यूनिटी में कोई भी आलस नहीं होता, यूनिटी में लोग काम करते हैं, इस तरह से इमेज बनाना है आपको। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, तो या बड़ौदा भी बोल सकते हो, नेक्स्ट ऑफ बड़ौदा क्या है, तो यहाँ पे आप इसको कोड बनाएंगे, बड़ौदा को क्या करेंगे, बारूद बना देंगे, क्या बना देंगे, बारूद। अब इमेजिन कीजिए कि आप बारूद को साफ करके वड़ा में डाल रहे हो, वड़ा जो खाने वाला था, वड़ा आपने क्या किया, साफ करके क्या कर रहे हो, वड़ा में डाल रहे हो, वड़ा, ठीक है, तो साफ करके वड़ा में डाल रहे हो, दो वड़ा आ गया, तो साफ को डिकोड करेंगे तो 08, मतलब 1908, तो 1908। अब वड़ा आ गया, वड़ा से याद कीजिए कौन सा जगह हो सकता है, बड़ोदरा, ठीक है, तो बड़ोदरा, बड़ोदरा हो गया, तो इससे क्या हुआ 1908 यहाँ पे बड़ोदरा हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हम वर्ड बना सकते हैं महाराज, तो महाराष्ट्र से क्या वर्ड बन गया, महाराज, ठीक है। आप महाराज से क्या कर सकते हैं, बैंक ऑफ, अगर आप महाराष्ट्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां से कौन सा वर्ड देखने को मिलता है, महा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महाराज जो होते हैं वो उनके पास माल पानी बहुत होता है, माल पानी क्या होता है, माल पानी, दो वर्ड आया, दो वर्ड आया, मतलब ये प्लेस का नाम होगा, ये हेडक्वार्टर का नाम होगा आपके, ठीक, सन का नाम होगा, सॉरी सन, तो माल पानी, तो आइए माल पानी, महाराज के पास क्या होता है, महाराज से मैंने बनाया महाराज, महाराज लोगों के पास माल पानी बहुत होता है, तो माल पानी को डिकोड करेंगे तो 35 1935, महाराष्ट्र 1935 माल, माल मैंने बोला था माल, तो 35 1935 माल पानी, पानी आया, पी आया तो मतलब पुणे, कहाँ पे है, पुणे में है, कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक के साथ क्या कर सकते हैं, आप देखिए कॉरपोरेशन बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक, आप कॉरपोरेशन बैंक में जाते हो और कॉरपोरेशन वाले बैंक को बोलते हो मुझे ये कॉरपोरेशन बैंक चाहिए, ठीक है, आप कॉरपोरेशन वाले बैंक को क्या बोलते हो कि ये जो कॉरपोरेशन बैंक है ये मुझे क्या कर रहे हो, मांग रहे हो। बट यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंस है, आप देखो आप गए कॉर्पोरेशन बैंक में तो आपने बोला कि मुझे कॉर्पोरेशन बैंक चाहिए, तो पहले तो बैंक वालों को लगा कि ये तो मजाक कर रहा है, ठीक है, बैंक कैसे दे सकते हैं, बट वो कंटिन्यू वहां पे 2-3 दिन आने लगा, कंटिन्यू आने लगा, तो उसने बोला कि सच में मांग रहे हो, क्या बोला, सच में मांग रहे हो, तो सच में मांग रहे हो, सच मांग रहे हो, सच में मांग रहे हो, तो अब सच मांग रहे हो, दो वर्ड याद रखना, इसमें दो ही वर्ड आता है, तीन वर्ड मत लिख देना, दो ही वर्ड आते हैं, तो दो वर्ड को डिकोड करेंगे तो 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 1906 मांग रहे हो, सच मांग में, सच में मांग रहे हो, तो 1906 सच आ गया, इसको डिकोड नहीं करना है, मांग रहे हो मतलब मैंगलोर, एम से कौन सा नाम याद रखना है, मैंगलोर, तो मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, सच में मांग रहे हो तो मैंगलोर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंगलोर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आप वापस से रिपीट करके देखिए, चीजें बहुत जल्दी जल्दी मेमोराइज करने की टेक्निक है ये, फटाफट आप इमेज कीजिए, आंख बंद कर लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये जस्ट हो रहा है, रियल में हो रहा है, तभी चीजें आपको क्या हो पाएंगी, याद हो पाएंगी। नेक्स्ट दिया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में क्या है,
ओरिएंटल, ओरिएंटल को आप ध्यान से देखेंगे तो ओरिएंट याद आता है, ओरिएंट फैन, ओरिएंट फैन के नीचे आप बैठे हो और मस्त हवा ले रहे हो, ओरिएंट के मस्त हवा चल रही है और आप आराम से हवा ले रहे हो। तुरंत ही आपके पापा जी आते हैं और आपको समझाते हैं, बेटा आराम हराम है। क्या है बेटा? आराम हराम है। तो आराम को डिकोड करेंगे तो क्या होगा, 1943, क्या हो गया 1943। दो वर्ड है इसलिए एक ही वर्ड को नंबर में लिखेंगे, दूसरे वर्ड को नंबर में नहीं लिखने वाले हैं। दूसरे नंबर से हम क्या करने वाले हैं, जगह का नाम लिखने वाले हैं, हेडक्वार्टर का नाम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आराम है, दो वर्ड्स कट गया, आर से फोर हो गया, थ्री से एम हो गया, आगे 90 लगा देना है, हमारा रूल है। उसके बाद यहाँ पे आराम दिया हुआ है तो आराम से क्या कर सकते हैं, आया है एच, एच से हो गया हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद हो गया। तो देखिए आपने कितने कम समय में 20 के 20 बैंकों को सन और उनके प्लेसेस को याद कर लिया। मैं बताता हूं अगर आप ये रटने बैठेंगे तो आप नहीं रट पाएंगे, आज रट लेंगे, दो तीन घंटे लगेंगे रटने में, रट लोगे फिर अगले दिन भूल जाओगे। बट ये अगर आपने इस तरह टेक्निक से किया तो गारंटी मैं लेता हूं आप नहीं भूलोगे। अब आप बताइए जरा, आप सिंडिकेट देखेंगे, सिंडिकेट्स तो आपको कैट याद आ रहा है ना, तो कैट किसको कर दिया, कैट आपने नीलाम कर दिया, किसको कर दिया, मणिपाल को कर दिया। अब यहाँ पे देना बैंक, देना बैंक देखिए 2 मिनट के अंदर हम रिवीजन करते हैं सबके सब, अगर जिसने सुना रहेगा तो सबको याद हो जाएगा। देखिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज करनी है ठीक है। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने वर्ड उठाया था स्टेट, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का राजा कौन है, लालू है। नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक, आईडी, आईडीबीआई आईडी उठाया था, आईडी आपकी चोरी हो जाती है, आप बैंक में जाते हो तो आप हवलदार को, वहां पे वॉचमैन जो खड़ा रहता है उस वॉचमैन को बोलते हो कि मेरी आईडी चोरी हो गई है, मुझे एंट्री दिला दीजिए। चोरी को डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 1964। हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, क्यों, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वर्ड बच नहीं रहा है। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक, सेंट सबकी सबसे ज्यादा आपके घर में कौन लगाता है, आपके दादा। यूनियन से आया ओनियन, ओनियन खाने से किसकी बीमारी ठीक होती है, टीबी की बीमारी ठीक होती है। कोटक का आपको बनाना है। एचडीएफसी, एचडी, एचडी हाई डेफिनेशन जो एचडी चैनल्स होते हैं वो पुअर लोग नहीं देख पाते हैं। 1994 हेडक्वार्टर्स मुंबई, क्यू एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बच रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसी मैं डेली देखता हूँ, क्या देखता हूँ, बियर की दुकान, और बोलता हूँ कि आज मैं बियर पीऊंगा बट मैं बियर नहीं पीता हूँ, ठीक है, बियर को 194 तो 1994 इस तरह से। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक आपको बनाना है। बैंक ऑफ इंडिया, आपका सुहाग कहाँ काम करता है, बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। अलाहाबाद, गॉड और अल्लाह से लोग फिजूल का लड़ रहे हैं, फिजूल का, उनको लड़ना नहीं चाहिए बट फिर भी वो फिजूल का लड़ रहे हैं, तो फिजूल को डिकोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 फिजूल है तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मन लगा दिया फिजूल का, कैसे कोलकाता हो जाएगा 1865। नेक्स्ट आंध्रा, अंधा आदमी आपका नाम हद से ज्यादा लेता है, यूएससी आप बनाना है, कैट हो गया। इंडियन ओवरसी, ओवरसी मतलब एक मौका चाहिए, ओवरसी मौका चाहिए, मौका मिला तो मैं सी के ऊपर से चल के दिखाऊंगा, ओवरसी, ओवरसी तो मौका चाहिए, चाहिए से चाइना, ठीक है। और उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड यूनियन में जब लोग होते हैं तो वो लोग आलस दूर करते हैं, आलस नहीं करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा से हो गया बारूद, बारूद आप साफ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको वड़ा में डालना है, खाने वाला वड़ा, बेटर सॉरी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आया महाराजा, महाराजा लोग के पास मनी पानी, मनी पानी, हाँ सॉरी, महाराष्ट्र यहाँ से आया कौन सा, महाराज, ठीक है। और महाराज लोग के पास क्या होता है, माल पानी ज्यादा होता है, माल और पानी, तो माल पानी को डिकोड करेंगे, पी से पानी से पुणे हो जाएगा, माल से आप डिकोड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 और 5 तो 90 आप लगा लेंगे, 1935। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पानी पुणे में है। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन बैंक, आप कॉर्पोरेशन बैंक गए तो आपने बोला कॉर्पोरेशन बैंक मेरा नाम कर दो, दो तीन दिन कंटिन्यू गए तो उसने आपको बोला कि सच में मांग रहे हो, तो मैंगलोर सच को डिकोड करेंगे, ठीक है, तो 06 आ जाएगा। ओरिएंटल बैंक के नीचे मस्त पैकी बैठ के हवा ले रहे थे, पापा आते हैं आपके बोलते हैं आराम हराम है। देखिए तो किस तरह से दो मिनट के अंदर हमने रिवीजन भी कर लिया। अब ये बैंक्स आपको कभी नहीं भूलेंगे, अगर आप एक बार वीडियो और देख लेंगे तो ये जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेगा, कोई भी एग्जाम हो जाए तो कौन सा भी कैसे भी आप बेहिचक क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप कोई भी टेक्निक चाहते हो किसी के भी ऊपर तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा या बना दूंगा, ठीक है।
अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा चैनल देख रहे हो। और एक चीज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये 20 ही है बट टोटल शायद 30-40 रहेंगे, 35 तो रहेंगे ही। आप क्या करिए, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, नीचे जाइए टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करिए, मुझसे वहां मिलिए टेलीग्राम पे। एक बार आपने मुझसे वहां मिल लिया तो मैं आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके। आप जैसे कमेंट करेंगे मैं इस टॉपिक को सोचूंगा बनाने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।